शुक्र वृषभ में स्वग्रही होता है। अपनी राशि में कोई भी पावरफुल स्थिति को प्राप्त कर सकता है। ग्रह स्वग्रही पोजीशन बहुत अच्छी मानी जाती है, तो शुक्र वृषभ में अपनी राशि में होंगे और भौतिक लाभ हर राशि को करेंगे कराएंगे और किन को लाभ देंगे किन को हानि देंगे इसकी विवेचना कर रहे हैं हम। हम हैं डॉक्टर उमाश्री, एस्ट्रोलॉजर हैं बाय प्रोफेशन, 25 साल से ज्योतिष कर रहे हैं, वास्तु कर रहे हैं, पामिस्ट्री कर रहे हैं। आप हमसे परामर्श भी ले सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताना चालू करते हैं। शुक्र जो है दैत्य गुरु है, आपको पता ही है दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं। शुक्र अपनी खुद की राशि वृषभ में पदार्पण कर रहे हैं और ये डेट है 18 जून 2022। वे यहाँ विराजमान रहेंगे 13 जुलाई तक, 13 जुलाई 2022 तक विद्यमान रहेंगे। 12 लग्नों और 12 राशियों को क्या सौगात इस अवधि में देंगे, आज हम इसी की विवेचना कर रहे हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार डॉक्टर उमाश्री चैनल पर विजिट करने आए हैं तो मैं आपका वेलकम करती हूँ और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपकी ज्योतिष तंत्र मंत्र वास्तु में रुचि है, पूजा पाठ में आप रुचि रखते हैं तो मेरे चैनल आपका आपके बहुत काम का है और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसको सब्सक्राइब करिए, मैं डेली वीडियो अपलोड करती हूँ जो आपको फ़ायदा पहुँचा सकती हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। शुक्र वृषभ राशि में स्वग्रही होता है, अपनी राशि का होता है। तुला राशि भी शुक्र की ही राशि है, ये मीन राशि में उच्च का होता है और कन्या राशि में नीच का होता है। ये सूर्य के साथ होने पर कई बार अस्त भी हो जाता है और शनि इनके मित्र हैं, बुध भी इनके मित्र हैं, तो इसमें ये कंफर्टेबल पोजीशन में होते हैं। उनकी इन ग्रहों के साथ युति बहुत अच्छा परिणाम देती है। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताना चालू करते हैं 12 लग्नों पर क्या प्रभाव देने वाला है ये शुक्र का गोचर। मेष राशि या मेष लग्न, मेष राशि और मेष लग्न वालों के लिए ये शुक्र का गोचर अच्छा परिणाम देने वाला है और ये धन स्थान में अतुलित धन लाएगा, धन का सैलाब लाएगा। कुटुंब में बहुत मांगलिक कार्य होंगे, शुभ कार्य होंगे, लाभ के कार्य होंगे। तो ये शुक्र का गोचर मेष राशि या मेष लग्न वालों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। वृषभ, वृषभ के तो बल्ले बल्ले है क्योंकि उनकी ही लग्न में या राशि में विद्यमान है शुक्रदेव, तो बहुत अच्छा ये टाइम निकलेगा। जहाँ से भी आपका पैसा नहीं आया वो इस अवधि में आएगा, सुख सुविधा के साधन आपके पास पास में आएंगे, घर का मकान पूरा होगा, शादी ब्याह तय हो सकता है, तो आपके लिए शुभ ही शुभ होगा। भौतिक संपदा में वृद्धि होगी, ये आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा। मिथुन, मिथुन वालों के लिए ये मध्यम फलप्रद रहेगा और क्योंकि उनकी कुंडली में पंचमेश होता है शुक्र और व्ययेश भी होता है, तो पंचम का ही फल प्रमुख करेगा। प्रेम प्रसंग में सफलता हो सकती है, प्रेम प्रसंग परवान भी चढ़ सकता है, आपको लाभ होगा, शिक्षा में भी मनोवांछित सफलता मिलेगी और आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है इस अवधि में। क्योंकि मिथुन जो लग्न होता है उसके लिए शुक्र बहुत शुभ होता है और उनको शुक्रदेव की उपासना भी बहुत फलदायी होती है। तो आपको कुछ उपाय मैं बताऊंगी वीडियो के अंत में जो आपको करने से बहुत अधिक लाभ होगा। कुल मिला के आपके लिए बहुत उत्तम समय है ये, मतलब मध्यम फलप्रद रहेगा लेकिन मध्यम से जैसे लो टू मीडियम होता है ना, उस तरह का कॉन्सेप्ट होगा आपके लिए। निराश ना हो, कुल मिला के एवरेज समय आपका रहने वाला है। कर्क, कर्क के लिए बहुत शुभ समय है, कर्क वालों को लाभ होगा, विवाह संबंध तय हो सकते हैं, प्रेम प्रसंगों में सफलता मिलेगी, शिक्षा में सफलता मिलेगी, मनोवांछित काम आपके इस अवधि में होंगे। किसी ने उधार ले रखा है वो खुद आगे बढ़ के चुकाने आएगा। शत्रु भी इस अवधि में आपकी मित्रता को तरसेंगे, काश आपका सानिध्य उनको मिल सकता, ऐसी भावना आपके लिए रखेंगे
और पॉजिटिव एटीट्यूड आपके लिए जमाने में होगा। सिंह वालों के लिए जो समय है मध्यम फलप्रद रहेगा। नौकरी में कोई समस्या आ सकती है और नौकरी में विघ्न बाधा या अड़चनें आ सकती हैं। अपनी सूझबूझ से आप हर काम निपटा लेंगे, लेकिन अड़चनें दिख रही हैं तो संभल संभल कर आपको हर काम करना पड़ेगा। राज्य पक्ष आपका निर्बल है और उसमें आपको हानि हो सकती है। कन्या वालों के लिए शुक्र का ये गोचर अच्छे परिणाम लेकर आएगा और उनको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। प्रेम प्रसंग परवान चढ़ेगा और प्रेम प्रसंग में भी उनको फायदा होगा। घर वाले पहले विरोधी होंगे लेकिन बाद में मान जाएंगे आपकी शादी के लिए। तो ये कुल मिला के अच्छा होने वाला है और भाग्य आपका हर क्षेत्र में साथ देगा और हर काम आपके भाग्य के सपोर्ट से बनते ही चले जाएंगे। तुला वालों को गुप्त खजाना मिलेगा, गुप्त धन हो सकता है और रिसर्च में आपको कामयाबी मिलेगी और कोई गुप्त रोग आपको परेशान कर सकता है। तो संभल संभल के हर काम करें और हेलमेट लगाकर व्हीकल चलाएं। और दुर्घटना का भी योग बनता है तो दुर्घटनाओं से बचने के लिए आप हेलमेट लगाएं, या कार चलाते हैं तो आप कार ध्यान से चलाएं, स्पीड में मत चलाएं, तो आप बचे रहेंगे हर संकट से। अब हम बात करते हैं वृश्चिक वालों को जीवन साथी का प्यार प्राप्त होगा। जीवन साथी इस बार कुछ अलग ही मूड में होगा और आपसे आपके रोमांस के चांस बढ़ते जाएंगे, आपके प्रेम प्रसंग बढ़ते जाएंगे, आपकी ज़िंदगी में जो अधूरापन था वो पूरा हो जाएगा क्योंकि जीवन साथी पूरा प्यार आप पर लुटाएगा तो आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन एक अड़चन है, जो शुक्र का गोचर होता है सातवां अच्छा नहीं माना जाता, तो इस दृष्टि से शुक्र कुछ नुकसान कर सकता है। पल में तोला पाल में माशा, वैसी स्थिति आपके जीवन साथी की होगी। अभी प्यार कर रहे थे, अभी पता नहीं क्या हुआ जो बिगड़ गई स्थिति, सब कुछ नॉर्मल था अब एबनॉर्मल हो गया। तो ऐसा धूप छांव का खेल आपके जीवन साथी आपके साथ खेलेंगे। आप हर पल को एंजॉय करें और टेंशन ना लेवें क्योंकि आपके जो जीवन साथी हैं मूडी हैं, बहुत प्यार बरसाने वाले हैं लेकिन कटु शब्द भी बहुत बोलते हैं, तो इनको आप टैकल अपने हिसाब से करें तो आप फ़ायदे में रहेंगे। अब हम बात करते हैं धनु राशि या धनु लग्न की। धनु लग्न वालों को रोग परेशान कर सकता है, उनको कोई सेक्सुअल डिसऑर्डर आ सकता है और उसकी वजह से उनको परेशानी होगी। और लड़कियों को भी कुछ परेशानी हो सकती है, तो इससे आप ट्रीटमेंट लेवें, इससे आपको फ़ायदा होगा और नुकसान नहीं होगा। आपके लग्नेश का शत्रु है शुक्र, इसलिए भी आपको संभल के रहना ज़रूरी है। रोग रिपु ऋण की वृद्धि होगी इस अवधि में। आइए बात करते हैं मकर की। मकर राशि ऐसी राशि है जिसमें शुक्र योग कारक होता है और इस भाव में शुक्र की स्थिति उत्तम फल की प्राप्ति देने वाली है। अब तक जो काम अवलंबित थे वो इस अवधि में पूरे होके रहेंगे। आपको वाहन सुख मिलेगा, आपको भवन सुख मिलेगा, आपको भूमि का सुख मिलेगा, जितने भी सुखों की श्रेणी है वो सब भौतिक सुख आपको इस अवधि में मिलेंगे। तो इसके लिए आप बहुत अच्छा समय है आपको और बहुत इन्जॉय करिए। अब हम बात करते हैं कुंभ लग्न और कुंभ राशि की। इनकी कुंडली में भी शुक्र योग कारक होता है और शुक्र की स्वग्रही स्थिति इनके भी हर काम पूरा करेगी और सुख में वृद्धि होगी और आपको हर जगह से मान सम्मान मिलेगा। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, सोचे हुए काम पूरी तीव्र गति से होंगे, सोचते ही आपके काम बनते चले जाएंगे। रिश्तेदारों का आगमन होगा, रिश्तेदारों का आगमन खुशियों को बढ़ाने वाला होगा। सेलिब्रेट करेंगे आप हर पल को, ऐसी स्थिति आपकी बन रही है तो इन्जॉय करिए। अब हम बात करते हैं मीन लग्न या मीन राशि की। आपको शुक्र से संबंधित परेशानियां आ सकती है जीवन में और इससे आपको बच के रहना पड़ेगा। आपके लिए एवरेज है ये शुक्र का गोचर, हालांकि आपका लग्न स्थान शुक्र की उच्च राशि है ये अलग बात है, लेकिन अगर आपके कुंडली में ही
शुक्र उच्च राशि में है तो आपको अच्छे फल मिलेंगे। शुक्र की महादशा आपको चल रही है तो भी आपको अच्छे फल मिल सकते हैं, लेकिन नैसर्गिक रूप से शुक्र आपकी कुंडली में कारक नहीं है, स्थायी कारक नहीं है, तो इसलिए आपको सावधानी पूर्वक ये समय व्यतीत करना पड़ेगा। कुल मिला के कष्ट संभव है, दुर्घटना संभव है, एक्सीडेंट संभव है और इससे आपको बचना पड़ेगा। अब जानते हैं शुक्र के उपाय। शुक्र को भूल कर भी धनु लग्न वालों को बलि नहीं करना चाहिए। शुक्र को मीन लग्न वालों को भी बलि नहीं करना चाहिए, बलि से मतलब स्ट्रांग नहीं करना चाहिए। जैसे चल रही है गाड़ी वैसे ही चलने दें। बृहस्पति को स्ट्रांग करिए, बृहस्पति तो अभी गोचर में स्वग्रही खुद ही चल रहा है, तो कुल मिला के आपका बचाव करेंगे बृहस्पति मीन राशि में बैठकर, तो कोई भी नुकसान आपको नहीं होगा। लेकिन संभल संभल के चलें और आपकी कुंडली में जैसे निर्बल योग हैं शुक्र के तो आपको उपाय भी कर लेने चाहिए, लेकिन आपको उपाय दान के रूप में करने हैं, सफ़ेद गाय की सेवा करनी है, कुछ खाना नहीं है, शुक्रवार का व्रत भी आपको नहीं करना है बस, और पिंक और सफ़ेद कलर के कपड़े आप भूल कर भी ना पहने। धनु लग्न वालों और मीन लग्न वालों आप पीले रंग के कपड़े पहनिए, शुक्रवार को भी पीले रंग के कपड़े पहनिए, आपका भाग्योदय होगा, आपका भाग्य साथ होगा। चीनी का दान आपके लिए शुभ है, चीनी का दान करते हैं तो आपकी हर समस्या मिट जाएगी तुरंत। और जो मकर लग्न वाले हैं और कुंभ लग्न वाले हैं, वृषभ लग्न वाले हैं, तुला लग्न वाले हैं, मिथुन लग्न वाले हैं और कन्या लग्न वाले हैं, आप शुक्रवार का व्रत करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। शुक्रवार के दिन वैभव लक्ष्मी माता की पूजा करें, श्री यंत्र की पूजा करें, कनक धारा यंत्र की पूजा करें, सफ़ेद गाय की सेवा करें, लक्ष्मी जी का पूजन करें, लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाएं तो आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य ही बताना। मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल डॉक्टर उमाश्री को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।